Hello everyone, good morning to all. Dear student, in this video I will start a new chapter, chapter number 9, I celebrate. So let's see in your course book chapter number 9, I celebrate. Let's begin. What gift do you want to give to your friends? यानी आप कौन सा गिफ्ट अपने फ्रेंड्स को देना पसंद करते हो? Draw the gift and write the names of your friends on the टैग। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी गिफ्ट आप अपने फ्रेंड्स को देना चाहते हो उसको ड्रॉ करना है और नीचे जो टैग दिया हुआ है उसमें अपने फ्रेंड्स का नेम मेंशन करना है। लेट्स फाइंड आउट, चलो पता लगाते हैं। बर्थडे, बर्थडे मीन्स जन्मदिन। बर्थडे इज़ द डे ऑन विच यू वर बॉर्न, यानी जन्मदिन वो दिन होता है जिस दिन हम पैदा हुए होते हैं। वी सेलिब्रेट अवर बर्थडे वंस इन अ ईयर, हम साल में एक बार अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बर्थडे आर स्पेशल डेज, जो जन्मदिन होते हैं वो खास दिन होते हैं। वी सेलिब्रेट देम विद अवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, जन्मदिन को या स्पेशल डेज को हम फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं। नाउ वी रीड, लेट्स से वन, व्हाट डू यू से व्हेन समवन गिव्स यू अ गिफ्ट, यानी अगर आपको कोई भी गिफ्ट देता है तो आप क्या कहते हो? राइट द वर्ड्स इन द बबल्स, ये जो बबल्स दिया हुआ है इसमें आपको वर्ड्स लिखने हैं। अगर आपको कोई भी गिफ्ट देता है तो आप क्या कहते हैं? थैंक यू सो मच, इस बबल्स में आपको लिखना है थैंक यू सो मच। माई बर्थडे विशेष, यानी मेरी जन्मदिन की इच्छाएं। अ बर्थडे इज द स्पेशल डे When we enjoy and make wishes, यानी बर्थडे एक खास दिन होता है जिस दिन हम enjoy करते हैं और अपनी इच्छाएँ रखते हैं। Write down any three of your birthday wishes in the space given below, यानी जो भी आपकी इच्छाएँ हैं वो आप अपनी इच्छाएँ यहाँ नोट कर लें, जो स्पेस दिया हुआ वहाँ पर आपको थ्री विशेष। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट, आई वॉन्ट अ रोबोट कार, आई वॉन्ट अ रोबोट एंड आई वॉन्ट अ फुटबॉल, यानी जो भी आपकी इच्छाएँ यहाँ पर आप विशेष। फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स मीन्स होता है त्यौहार। वी ऑल्सो सेलिब्रेट सम स्पेशल डेज विद अवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, फेस्टिवल का मतलब होता है त्यौहार। हम अपने त्यौहार भी अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ में मनाते हैं। दीज स्पेशल डेज आर कॉल्ड फेस्टिवल, जो स्पेशल डेज होते हैं उन्हें हम फेस्टिवल्स कहते हैं। वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स, हम कई सारे त्यौहार मनाते हैं। फेस्टिवल्स आर टू टाइप्स, जो त्यौहार होते हैं वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन रिलीजियस फेस्टिवल, नेक्स्ट वन नेशनल फेस्टिवल। दो प्रकार के फेस्टिवल्स होते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल और नेशनल फेस्टिवल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन रिलीजियस फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल मीन्स होता है धार्मिक त्यौहार, जो हमारे रिलीजन से रिलेटेड फेस्टिवल्स होते हैं उन्हें हम रिलीजियस फेस्टिवल्स कहते हैं। जैसे दिवाली, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, यानी जो दिवाली है वो रोशनी का त्यौहार है। वी डेकोरेट अवर हाउस विथ लाइट्स, हम अपने घरों को रोशनी से सजाते हैं। वी वेयर न्यू क्लॉथ एंड ईट स्वीट्स, हम उस दिन नए कपड़े पहनते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, व्हेन वी वर्स्ट फायर क्रैकर्स अ लॉट ऑफ स्मोक कम्स आउट, जब हम पटाखे चलाते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा धुआं बाहर आता है। वेयर डज दिस स्मोक गो, ये धुआं कहाँ जाता है? दिस इज दिस स्मोक गुड फॉर अस, क्या ये धुआं हमारे लिए अच्छा है? नो, दिस स्मोक इज नॉट गुड फॉर अस, ये धुआं हमारे लिए अच्छा नहीं होता। जो पटाखों से धुआं निकलता है उससे एयर पॉल्यूशन होती है और ये हमारे एयर पॉल्यूशन होता है जो हम एयर ब्रीथिंग के थ्रू यूज करते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट होली, अब नेक्स्ट हमारा रिलीजियस फेस्टिवल है होली। होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली रंगों का त्यौहार है। ऑन द नाइट बिफोर होली, यानी होली की रात रात से पहले,
पीपुल लाइट अ बॉनफायर एंड प्रे अराउंड इट। लोग होलिका जलाते हैं और उसके चारों तरफ प्रे करते हैं। द नेक्स्ट डे दे प्ले विद कलरफुल गुलाल। अगले दिन वो रंगीन गुलाल से खेलते हैं। थ्रो कलर्स ऑन ईच अदर, और एक दूसरे के ऊपर गुलाल डालते हैं। चिल्ड्रन प्ले विद पिचकारी एज वेल। चिल्ड्रन पिचकारी से भी खेलते हैं। डियर स्टूडेंट, इट इज इनफ फॉर टुडे। नाउ कंप्लीट योर वर्क इन कोर्स। थैंक यू।